हाय आदाब नमस्कार गुड आफ्टरनून सत श्री अकाल वेलकम टू स्कार्ट पेंटिंग क्लासेस। स्कार्ट पेंटिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं और इस वाला लाइव में हम आपको तंजोर पेंटिंग कैसे बनाते हैं बेसिक वाला वो आज हम आपको बताने वाले हैं। ओके ना, आवाज आ रहा है मेरा, बताइए आप लोग। उसके बाद हम अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे, है ना। और आज से हम रोज लाइव आया करेंगे इस तंजोर पेंटिंग को सिखाने के लिए। ये सोनल जी बोल रहे हैं कि हाँ आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना। आवाज ये सुनते रहिए और इस पेंटिंग को कैसे बनाते हैं उसको समझते रहिए। ओके ना, तो इसके लिए हम पहले के बोर्ड लेते हैं। ये देखेंगे कि हमारे पास में एक प्लाई बोर्ड है और उससे पहले हम आप लोगों को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। ओके, तो आज हम ये तंजोर पेंटिंग जो बनाएंगे ना उसके लिए हम आपको ऑप्शन देते हैं, एक हनुमान जी, कृष्णा जी और गणेश जी, तीनों में से आप बताइए कि कौन सा पेंटिंग सीखना चाहते हैं। जल्दी जल्दी लिख के बताइए वो, क्योंकि हम जब ये पोस्ट डाले थे ना तो आप लोग का ज्यादा रिक्वायरमेंट आया था तंजोर पेंटिंग का। तो तंजोर पेंटिंग का अब तक मैंने पेड क्लासेज दिया है बट ये फ्री क्लासेज है, लेकिन इसमें जो हम आपको बताएंगे बेसिक वाले बताएंगे। तो एक बार आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए। हनुमान जी बोल रहे हैं इसीलिए अभी हमने इसका ड्राइंग भी नहीं बनाया है। ओके ना, आज हम इसका बोर्ड बनाना आपको बताएंगे और जब इसकी स्टार्टिंग करेंगे ना तो इसका ड्राइंग मटेरियल सब कुछ हम पोस्ट कर देंगे और आज ही कर देंगे। ओके, आज रात तक डाल देंगे ताकि आप लोग के लिए आसान होगा, और आज तक आज अगर नहीं भी डालते तो कल डल जाएगा। ओके, सबसे पहले गणेश जी, लिपिका जी बोल रहे हनुमान जी, हनुमान जयंती है इसलिए आप लोग ऐसा बोल रहे हैं हनुमान जी, हनुमान जी का। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं बना दूंगा, हमारे लिए वो भी भगवान है ये भी भगवान है ना। तो एक बार आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए। जब तक आप वीडियो शेयर कीजिए तब तक हम आपको हम अपना एक रियलिस्टिक स्टिल लाइफ का एक प्रमोशन कर देते हैं। ये देखिए, ये हम लाइव इसकी क्लासेस लेने वाले हैं। ओके ना, इसके लिए हम स्टूडेंट लोग को बोलेंगे कि जो स्टूडेंट अपने आर्ट में करियर बनाना चाहते हैं, फ्यूचर बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वही इस क्लास को ज्वाइन करेंगे। ओके, वो क्योंकि इसमें जो वर्क है ना वो काफी बिकट वाली है। ओके, अगर आपको इंटरेस्ट है आर्ट में पेंटिंग बनाने में वही लोग इस क्लास को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, और ये कोई इंटरनेट से ये फोटो लिया हुआ नहीं है, ये हमारा अपना फोटो है। ओके, ये मेरा अपना फोटो है, ठीक है। तो अगर आपको अपने आर्ट को बड़ी अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना है ना, तो इस क्लास को ज्वाइन कीजिए, आप लोग के लिए ज्यादा अच्छा है। और एक और आर्ट हमारे पास में है, ये देखिए, वॉल डेकोर पेंटिंग, ये देखिए, ये इसकी भी हमारे पास में पेड क्लास है। इसकी फीस ज्यादा नहीं है, ओनली 500 है और इसका वीडियो बना हुआ है, इसका वीडियो बना है। ये देखिए, ये दिखाते हैं, ये देखिए कितना अच्छा है ना, ये देखिए। ओके, ये ऑयल पेंटिंग है, रखिए इसको। तो एक बार और हम आप लोग को बता रहे हैं कि तंजोर पेंटिंग में आप हनुमान जी, गणेश जी या कृष्णा जी, तीनों में से ये क्या आप सीखना चाहेंगे आपको फटाफट लिख के बताइए, कि ताकि जिनका ये सबसे ज्यादा नाम आएगा ना हम वही पेंटिंग बनाएंगे तंजोर पेंटिंग में। ओके ना, उसके लिए बोर्ड हमारे पास में ये है, छोटा सा ही बोर्ड हम लिए हैं, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए। और इसके लिए हम रेगुलर लाइव आएंगे 2:30 बजे। अगर हम दिन को लाइव नहीं आते हैं तो रात को लाइव आ जाएंगे, किसी कारण से अगर हम दिन में लाइव नहीं आते हैं तो उस दिन हम रात को लाइव आकर के इस पेंटिंग को रेगुलर बनाएंगे। ओके, और जल्दी से जल्दी ये तंजोर पेंटिंग को हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये बोर्ड है मेरा, ये देखिए, ये प्लाई बोर्ड है। ओके ना, ये हमारा प्लाई बोर्ड है। जय हनुमान जी,
ओके, बोर्ड के लिए आपको बताना चाहते हैं ये 6 mm है, 9 mm भी चलेगा, 12 mm भी चलेगा, ओके। और ये जो तंजोर पेंटिंग हम आपको बताने वाले हैं ये बेसिक वाला है, 3D नहीं है, ओके, बेसिक वाला है, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम आपको बेसिक वाला बता रहे हैं कि ताकि ये जल्दी से जल्दी बन जाए, ओके। तो ये देखेंगे कि ये हमारे पास में प्लाई बोर्ड है। अब आते हैं कि इसके ऊपर में करने के लिए, और एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए प्लीज, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में, ओके, ताकि और लोग भी जुड़ जाएंगे ना। तो फिर सर, वेयर कैन वी गेट ऑनलाइन कट टू साइज प्लाईवुड, इंची चपलाइए, इनको नाप के बताते हैं। माधवी जी बोल रहे हैं कि गणेश जी, गणेश जी का ज्यादा नाम आ रहा है, हनुमान जी पीछे हो गए। गणेश जी इसलिए भी लोग चाह रहे हैं क्योंकि सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है ना, तो वो है। तो ये आपको बताते हैं कि इसकी साइज है 18 इंच है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे 18 है, ओके, और ये है 14 इंच है, ये देखिए यहाँ पे देखिए नंबर 14 इंच है, ओके। और बाकी जो साइज वाली बात है ना, तो जरूरी नहीं कि आप इतना बड़ा पे ही बनाइए, छोटा भी बना सकते हैं, इससे बड़ा भी बना सकते हैं। हम जब इसका पोस्ट डालेंगे ना इसके साइज का, तो इसमें हम 3-4 साइज मेंशन कर देंगे, आपको जो अच्छा साइज लगेगा बना डालिए, ओके। तो चलिए फिर हम अपना काम हम शुरू करते हैं। उसके लिए एक आपको एक, एक, एक कपड़ा लेना है, ओके ना, एक कॉटन का कपड़ा है, इसको बोलते हैं कट पीस बोलते हैं, ओके। बुकरम वाला भी लोग इस्तेमाल करते हैं, बट वो थोड़ा सा कमजोर होता है, इसलिए हम ये वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके। तो इसके लिए हम एक जग ले लिए, जग में हल्का सा हमने पानी डाल दिया, अब पानी डालने के बाद इसको हमने भिगो दिया, ठीक है, ये हमने कपड़ा को भिगो दिया। इससे इस क्लास में हम आपको पेंटिंग है ना स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हम आपको बताने वाले हैं, ओके, ठीक, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, कि ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप लोग भी पेंटिंग बनाइए। और एक और बात आपको बताना चाहते हैं कि जिनको भी ऑनलाइन पेंटिंग कंपटीशन में भाग लेना है ना, अब 15 दिन ही बाकी रह गया है, जल्दी से जल्दी अपना आर्ट वर्क आप लोग शेयर कीजिए ग्रुप में और इनाम जीतिए 1000 रुपए का, ओके, 1000 रुपए का इनाम आपको मिलेगा, यानी 10 स्टूडेंट को 10,000 इनाम दिया जाएगा, यानी 1,000 के हिसाब से, ओके, 1,000 के हिसाब से 10,000 रुपए का इनाम है, यानी 10 स्टूडेंट को हम इनाम देने वाले हैं। सर क्या सिखा रहे हैं, हम तंजोर पेंटिंग सिखा रहे हैं, ओके, ये तंजोर पेंटिंग बनाते कैसे हैं वो हम आपको बताने वाले हैं, ओके। तो ये हमने इस पानी को यहां पे हटा दिया, ये हटा दिया, ठीक है ना, इसमें नहीं है ना, ये देखिए, नो कंफ्यूजन है कि नहीं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हम बना रहे हैं और आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। अब फेविकोल की बात अगर करते हैं, MR भी चलेगा, SH भी चलेगा, ओके, मरीन भी चलेगा, ठीक, ये हमने इसमें डाल दिया, लेकिन ये हमने यहाँ चिपकाने से पहले हम इसकी पहले मैंने कटिंग किया था, वो हम बताना थोड़ा सा भूल गए, ओके ना, ये देखिए एक बार आपको बता देते हैं, ये देखिए, ये लगभग में ये चारों साइड से 3-3, 4-4 इंच आपको ज्यादा रखना है, ठीक है, 3-4 इंच ज्यादा रखना है चारों साइड से, ओके। अब इसको हमने बोर्ड साइज क्या है, 18 इंच बाई 14 इंच का ये बोर्ड का साइज है, बाकी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। एक बार और हम आपको बता रहे हैं कि इस तंजोर पेंटिंग में आप क्या सीखना चाहेंगे, हनुमान जी, गणेश जी या कृष्णा जी,
जल्दी जल्दी आप लोग लिख के बताइए। ये हमने डाल दिया इसके अंदर में, अच्छे ढंग से इसको डाल रहे हैं, इसको अच्छे ढंग से मिलाना है। कपड़ा को आप पानी में डाल के आधा घंटा एक घंटा आप उसको छोड़ करके उसको निचोड़ सकते हैं, ओके ना। बट यहां पे हमको थोड़ा सा जल्दी दिखाना है, नहीं तो वो उसके चक्कर में हम फिर लेट हो जाएंगे। सर कैनवास बोर्ड यूज कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं यूज कर सकते हैं। सीमा जी बोल रहे हैं कि फेविकोल में पानी भी डाले हैं क्या? तब तो इसके लिए आपको स्टार्टिंग से ये वीडियो देखना होगा कि मैंने अभी डाला है कि नहीं डाला है। अगर फेविकोल अगर ज्यादा मोटा है, गाढ़ा है, अगर आपकी इच्छा है तो थोड़ा सा डाल सकते हैं 10-15%, ओके। एक कॉटन का कपड़ा आपको लेना है, ओके, सिल्क या और भी मटेरियल का बना हुआ आपको नहीं लेना है, कॉटन का ही लेना है, ठीक। ये देखिए ये अच्छे ढंग से ये इसमें ये लग गया है, बट हमको लगता है कि और थोड़ा सा डालना होगा, और डाल देते हैं ताकि हनुमान जी खुश हो जाएंगे कि हाँ ये बच्चा जो है ना दिल खोल के मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है ना। हाँ वीडियो बाद में रहेगा, बट ये एक महीने तक वीडियो रहेगा। अगर एक महीने में अगर आपने पेंटिंग नहीं बनाया तो आप दो महीने में भी नहीं बनाएंगे, इसलिए हम आपको टाइम दे रहे हैं, ठीक है। राधा कृष्ण जी के पिक्चर, हमने राधा का तो नाम ही नहीं लिया है, हमने कृष्णा, गणेश और हनुमान जी तीनों में से आप बताइए कि किनका पेंटिंग बनाया जाए, क्योंकि अभी मैंने ड्राइंग बनाया नहीं है, आप बताएंगे। सर क्लास 10 डे होगा क्या? रोज रोज क्लास, ठीक है, जल्दी कंप्लीट करना है इसलिए हम रोज रोज आएंगे, ओके। दिन को 2:30 बजे, अगर 2:30 बजे नहीं आ पाए ना किसी कारण से तो हम रात को 9 बजे लाइव आएंगे, ओके, बट आएंगे रोज, वो जल्दी कंप्लीट करना है। ये हमने अच्छे तरह से इसको मिक्स कर लिया है, देखिए ये अब एकदम अच्छे ढंग से एक कपड़ा में ये लग गया, ओके, लग गया है। तब इसको अच्छे ढंग से इसको अब हम किस पे रखे, कोई डब्बा ऊपर नहीं है, चलिए ये हम इसको बाद में पोछ लेंगे। सर अकेले कृष्णा कभी अच्छे नहीं लगते, हाँ ये भी है, तब तो हमको पाप लगेगा है ना। बट एक बात आपको बताया, जब वो छोटे थे तो अकेले ही थे ना, है कि नहीं, जब वो छोटे थे कृष्णा जी तो अकेले थे मम्मी के साथ पापा के साथ, है ना। ये फ्लावर बना सकते हैं क्या? देखिए सैयदा जी, सर आप बाल गोपाल बनाइए। मैंने बाल गोपाल बनाया है, दो दो बनाया है, ठीक है ना। इसको हम डाली देते हैं, ठीक है। अब ये जो इसको थोड़ा सा मुझे पूछना होगा, और कोई बात नहीं है, ये जो हमारा जो ये आपकी जो इच्छा वो, अरे हम तो आप लोग की इच्छा पे जीवित है कि नहीं। बराबर बराबर में इसको लेना है, ये देखिए इसको अच्छे ढंग से इसको खींच लेना है चारों साइड से। आप क्या करेंगे, एक छोटा सा चौकी उकी होता है ना, उसको आपको रख करके, है ना,
ये आप लगाएंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से बनाएंगे। हाँ, न्यू क्लॉथ ही लेना है, अगर ओल्ड है तो वो भी आप ले सकते हैं, बट आता है सस्ता, आता है महंगा नहीं आता है। ओके, हनुमान जी बनाइए गुरु जी। हाँ ठीक है, फिर आज हनुमान जयंती है तो हनुमान जी फाइनल फिर करते हैं। ठीक है, ठीक रहेगा। अब यहां भी एक दिल टूटने वाली बात हो गई कि जो गणेश जी बनवाना चाह रहे हैं उनका दिल यहां पे टूट जाएगा। सर, फेविकोल लगाने का क्या मकसद है? फेविकोल नहीं लगेगा तो चिपकेगा कैसे, बताइए? ये चिपकाने के लिए हम यहां पे लगा रहे हैं। ओके, आप लोग भी अद्भुत बातें करते हैं। इसको चिपकाने के लिए गम तो चाहिए ना। ये जो फेविकोल है ना, ये थोड़ा सा मजबूत होता है। विधि जी, इस पे जो कपड़ा यूज आपको करना है ना, कॉटन वाला यूज करना है। जैसे आपको बता रहे हैं पेटीकोट वाला कपड़ा हो गया, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लाउज वाला कपड़ा है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। इसको अच्छे ढंग से इसको चिपका देना है। ये बिल्कुल ये चिपक जाएगा। अब यहां पे करना है क्या कि इसमें अच्छे ढंग से इसको चेक करना है। ठीक है, ये कहीं से रिंकल उंकल ना आए, तो बट इसमें रिंकल नहीं आया है, इसको साइड से दबा देना है। ओके, मेकिंग मार्किन कपड़ा, ये मार्किन क्या होता है? ये कटप्रिस कपड़ा होता है, ये तो हम नाम सुने हैं, बाकी अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से लोग जानते हैं। मैंने आपको बता दिया कि ये कॉटन वाला कपड़ा ही इस्तेमाल करना है। ओके, इसको पीछे साइड से अच्छे ढंग से इसको बांध देना है। ओके, तो यहां पे आपको ये तंजोर पेंटिंग सीखते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, ये आपको टेक्निक सीखना है कि नहीं? मेन चीज यही होता है। अभी पता है बहुत से लोग अपने घर के मेंबर है ना, उनका भी पोर्ट्रेट है तंजोर में बना देते हैं। हमने उन लोगों के घर में मैंने देखा कि तंजोर में उनके दादाजी का पोर्ट्रेट बना हुआ है। देख के बड़ी ही हमको ताजुब हुआ कि ऐसा भी है, बताइए। और अच्छे लग रहे थे। ये देखिए हमारा ये बोर्ड अच्छे ढंग से ये चिपक गया है। पीछे वाला साइड को अच्छे ढंग से आपको चिपकाना है। ठीक, अच्छे ढंग से इसको चिपकाना है। अभी पीछे वाला ये साइड है ना, अच्छा से चिपका नहीं है। सर, लक्ष्मी जी बनाइए। सर, आप लेडीज क्या बोल रहे हैं? आपकी कमेंट व्हाइट कलर में ठीक से लक्ष्मी जी बनाइए। सर, आप लेडीज भगवान नहीं बनवाए हैं? अच्छा, हमने लेडीज भगवान अब तक बनाया नहीं है ऐसा? थंगाट हमने बनाया है, और हमने पिंकी जी आप डायरेक्ट लाइए,
नया कपड़ा उसको पानी में डाल करके उसको आधा घंटा उसको छोड़ दीजिए और उसको अच्छी तरह से निचोड़ करके पानी आप यूज आप कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि अगर उस कपड़ा को हम एक बार धो करके हम सुखा ले है ना, तो वो भी चलेगा। DDL ये काफी पतला हो जाएगा। ओके उषा जी, DDL ये काफी पतला हो जाएगा, तो यहां पे आप SH, MR, मरीन ये सब आप इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस पे फाइनली हनुमान जी का तंजोर पेंटिंग बनाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने हनुमान जी लिखे हैं एक बार लिख दीजिए जय हनुमान जी की। इसको अच्छे ढंग से ओके ना, ये चिपक गया। और एक और हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। एक कपड़ा लगी ना खराब सा, इसको हम पूछ रहते हैं कि जो लोग भी ऑनलाइन में अपना पेड क्लासेज चलाते हैं या प्रोडक्ट बेचते हैं, आजकल कुछ स्कैम चला हुआ है ओके ना, उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा जानकारी देते हैं। अगर आप ज्यादा पैसे का लेन देन करते हैं ना, आपके गूगल पे पेटीएम पे अगर पैसे आते हैं ओके, तो एक आध ऐसे बंदे हैं जो ऐसे से खुरापाती काम करते रहते हैं। लाइए अब इसको हम सूखने के लिए रखेंगे ओके, ऐसे खड़ा करके इसको रख देंगे ओके। और ये जो पीछे वाला ठीक से भी आया नहीं है ना, इसको और हम बाद में हल्के हाथ से इसको दबाएंगे ओके, इसको दबा देंगे ताकि ये चिपक जाए। इसको खड़ा करके रख दीजिए। फिर इसके बाद में इसके ऊपर में बेस और क्या होगा ये भी हम आपको बताएंगे ओके, A to Z। रखिए रखिए, उधर रख दीजिए, कहीं रख दीजिए। हम थोड़ा सा हाथ इस पे धो लेते हैं, ये देखिए ये हमारा, वैसे ये सूखने के बाद आराम से पपड़ी बन के उखड़ जाएगा। तो ये लोग करते क्या है मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मैं अपना पेड क्लास में चलाता हूं ठीक है, वो हमसे कांटेक्ट करते हैं कि आपकी ये पेड क्लास हम आपका ज्वाइन करना चाहते हैं ठीक है, और वो करते क्या है कि एक आध आपका जो प्रोडक्ट है वो देखेंगे और फट से उसका स्क्रीनशॉट आपको भेजेंगे। अगर 500 वाला अगर क्लास है या 200 वाला है ना, तो आपको गूगल पे पे 6000 रुपए लिख के भेज देंगे टाइप करके, और उसका स्क्रीनशॉट आपको भेजेंगे और आपको उसी टाइम आपको फोन करेंगे स्पीड में, सर गलती से 6000 हमने भेज दिया है, बाकी के काट के हमको वापस कर दीजिए। ऐसे हमारे पास 3-4 बार ऐसे लोगों का आया है फोन, तो मैंने उनको यही बोला है कि इतनी भी जल्दी क्या है, हम पहले देख तो ले, तो जाके जब देखते हैं ना तो पता चलता है कि उसने लिख के भेजा है कि ये 6000 रुपए है ओके। तो आप लोग अगर अकाउंट अपना चेक करना चाहते हैं ना, तो पहले अच्छी तरह से देखिए पैसा आया नहीं आया, समझिए। अगला आदमी को टाइम दीजिए कि अभी आपका हमारे पास में रिसीव नहीं हुआ है, हो जाएगा तो अगर वाकई में अगर आपका ज्यादा आया तो हम आपको वापस करेंगे। हमारे साथ होता है ऐसे में, बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो ज्यादा भेज देते हैं या 2 बार भेज देते हैं, तो बोलते हैं कि सर 2 बार पेमेंट हो गया है, तो उनको हम वापस करते हैं ओके ना। तो आज के लिए हमारा ये हो गया क्लास एंड ठीक है ना, अब ये सूख जाएगा, इसको ऐसे ही हम छोड़ देते हैं, इसको भी ऐसे साफ करने में टाइम लगेगा, ऐसे उखाड़ेंगे तो ये आसानी से उखर जाएगा, तो इसको हम इसी पानी में डाल के हम छोड़ देते हैं ठीक है। ये बोल रहे हैं कि सर कि क्या बना रहे हैं, हम हनुमान जी बनाएंगे ओके। और ये हमारा एक पेड क्लास है,
वो वाला ही ना, फ्रूट वाला फोटो। कहाँ गए हो? इधर 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 गिर गया सर। क्या ये मुझे एक आर्मी के नाम से कॉल आया था? हाँ, ये लोग भी करते हैं, Amazon, Flipkart और OLX के नाम पे अगर कोई प्रोडक्ट अगर बेचने के लिए बोलते हैं ना, तो वो बोलते हैं क्या कि आपका चीज पसंद आ गया, हम आपको खरीदना चाहते हैं। ढेर आजकल स्कैम चल रहा है। तो ये जिनको क्लास ज्वाइन करना है लाइव, इसकी 1 मई से इसकी रेगुलर क्लास होगी, मंडे टू फ्राइडे, ओके। और ये क्लास वही लोग ज्वाइन करें जो आर्ट में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ओके। वो क्योंकि ये क्लास उनके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। इसकी फीस भी ज्यादा नहीं है, ओनली 2000 रुपए है, ओके ना। वो क्योंकि आप लोग की डिमांड थी कि स्टील लाइफ की हम पेंटिंग लेकर के आए, ओके ना। और जल्दी ही इसी मंथ में एक और क्लास हम लॉन्च करने वाले हैं, उसकी भी लाइव क्लास होगी, ओके। वो क्योंकि हमको लाइव क्लास लाए हुए ढेर दिन हो गया है, ओके। ये सरिता जी बोल रहे हैं रेफरेंस पिक्चर दिखाइए हनुमान जी का। अब ये ड्राइंग बनाएंगे तो हम डालेंगे, आप देखिएगा, ओके। ड्राइंग आपको दिया जाएगा तो उसको देख करके आप बनाइएगा, और बाकी और भी हम उसमें डिटेल हम डालेंगे, इसमें मटेरियल क्या लगेगा। और एक और बात आपको बता रहे हैं कि अगर आपको मटेरियल नहीं मिलता है तो वो भी आपको हम प्रोवाइड आपको करवा देंगे, ओके। लेकिन जिनको मटेरियल चाहिए उसके लिए आप थोड़ा सा 2 दिन इंतजार कीजिए, ओके ना। हम उसका ये पूरा पैकेज बनाएंगे कि इसमें क्या क्या लगेंगे, आप लोग बताइएगा। अगर आपको रेट ठीक लगता है तो हम आपको टोटल मटेरियल आपको भेज देंगे। उसमें प्लाईवुड आपका नहीं जाएगा, फेविकोल नहीं जाएगा, बाकी उसमें स्टोन, गोल्ड और भी जो उसमें आइटम लगेंगे वो सब आपको हम भेज देंगे। उससे क्या होगा कि आप लोग हमारे साथ फिर बना पाएंगे, ओके। सर कोई मिरर की क्लास लेकर आइए। संधु जी, मैंने मिरर की एक क्लास मैंने लाया हुआ है, ये पेड क्लास है, ओके, रिलीफ में है। और यहां पर हम आपको तंजोर पेंटिंग में हनुमान जी बनाना आपको हम सिखा रहे हैं, ओके। और एक और ही हमारा क्लास है, ये वाला लाइए, वॉल डेकोर पेंटिंग, ये देखिए इसकी वीडियो बनी हुई है, ये देखिए, ये देखिए। आप इसको ऐसे भी टांग सकते हैं, ऐसे भी टांग सकते हैं, ओके। इसकी फीस ओनली 500 है, 20 तारीख के बाद इसकी फीस बढ़कर डबल से डबल हो जाएगी, ओके। तभी मौका है आप लोग के पास में ये क्लास भी ज्वाइन करने का। फीस इसकी मात्र 500 है, अब बढ़ जाएगा तो इसका फीस हो जाएगा 2000। फिर 2000 के बाद होगा क्या कि ऑफर भी आएगा ना, तो उसमें 50% आएगा, तो भी आपको महंगा पड़ेगा। हाँ, गोल्ड फॉइल पेपर भी होगा, बिल्कुल होगा, ओके। लेकिन इसके लिए हम आपको कल बताते हैं कि कितना मटेरियल लगेगा। हम पहले एक बार ड्राइंग बना ले, उसमें कितने स्टोन लगेंगे, कितना क्या क्या लगेगा ना, तो हम आपको फिर उसका रेट आपको बता देंगे, ओके ना। और जिनको चाहिए वो फटाफट वो उसका जो चार्ज होगा वो देंगे ना, तो हम उनको जल्दी से जल्दी हम डिस्पैच करके उनको उन तक पहुंचा देंगे, ताकि वो हमारे साथ ही बना सके। अर्चना जी थैंक यू, पिंकी जी वेलकम, वेलकम सभी को। आज हम वेलकम करना आप लोग को भूल गए हैं, है ना। वो क्योंकि बहुत दिन के बाद लाइव आए हैं, इसलिए आदत है ना, ये थोड़ा सा रुक गया था, बट हम अब आप लोग को वेलकम करने के लिए रोज आया करेंगे। रोज यानी एवरी डे 2:30 बजे दिन में आएंगे, ओके। वॉल डेकोर, ये इसकी वीडियो बनी हुई है, अभी फीस अगर आप देते हैं तो अभी आपको इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। ये वीडियो बनी हुई है, इसीलिए वो बना हुआ पीस आपको हम दिखा रहे हैं। हाँ, ये जो हनुमान जी है ना, इसकी क्लास आपको सिखाया जा रहा है हनुमान जयंती के शुभ अवसर पे, ओके। सीमा जी, ये इसका रेट क्या है, आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। इसकी क्वालिटी होती है अलग अलग, तो हम आपको बताएंगे, ओके। तो मिलते हैं कल 2:30 बजे, और 2:30 बजे इसमें आगे का काम जो भी होगा वो हम आपको बताएंगे। और आज हो सकता है हम इसका मटेरियल लिस्ट हम डाल देंगे,
और इसका ड्राइंग अगर आज नहीं डाल पाया तो कल पक्का डाल देंगे बना करके, और बनाने के बाद वो आप अपना वहां से डाउनलोड आपको करना है, और जैसे जैसे मैं आपको बनाते हुए आपको हम दिखाएंगे वैसे आपको बनाना है। आज इसका जो है साइज भी डाल देंगे ताकि उसी हिसाब से प्लाईवुड आप लोग निकाल लीजिए। सर एक बार हनुमान जी की पेंटिंग दिखा दीजिए अलका जी, अब हम हनुमान जी की पेंटिंग कहाँ से आपको दिखाएं, अभी तो हमारे पास में खुद नहीं है, अब ड्राइंग बनाएंगे बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे, आप भी बनाइएगा और वो भी अट्रैक्टिव सा हनुमान जी वो लेकर के आएंगे। सर हमको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो पिंकी जी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो फिर अभी लाइव फिर हमारे कैसे आप देखें बताइए, आया होगा तभी तो आ गए हैं। हाँ ये है कि होता है क्या कि कभी कभी लेट से नोटिफिकेशन पहुंचता है, अभी लाइव आया नोटिफिकेशन आपको 10 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद ऐसे होता है, या उस टाइम आप एक्टिव नहीं है, है ना, आपका इंटरनेट बंद है तो बाद में आएगा, बट घबराने वाला बात नहीं है, वीडियो अभी लाइव एंड होने के बाद ये वीडियो हमारे पेज पे रहेगा रहेगा। हाँ हाँ अलका जी आप कोलकाता चले गए क्या, आप तो राजस्थान में थी। सर तंजोर पेंटिंग में कपड़ा क्यों लगाते हैं, ताकि उसका जो बोर्ड है ना मजबूत हो जाए, कलों के जो बोर्ड होता है क्या कि उसका भी एक लाइफ है, 15 साल 20 साल के बाद उसका ऊपर का जो परत है ना निकलने लग जाता है ऐसा, उन्हें तो उसको उसको पकड़े रहे ओके, इसलिए उसको लगाते हैं। फिलहाल जयपुर रही हूं, तो फिर कलकत्ता की बात आप क्यों कर रहे हैं। रश्मि दीदी आ गई है, वेलकम रश्मि जी। हाँ वॉल डेकोर ऑयल है, गुड आफ्टरनून धोनी जी ओके। तो कल मिलते हैं, इसका जो नेक्स्ट वाला क्लास है ना उसको कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।